हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज का जो वीडियो है ये डॉट वीडियो है और थोड़ा सा एक दो दिन गैप के बाद मैं आपके सामने आया हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आपका डॉट वीडियो समय पे नहीं मिल पाया, इस बार कुछ काम था, पर्सनल काम। अब देखिए, आज का जो डॉट वीडियो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आपको बैक टू बैक पहले तो चार डॉट वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं, मेरे पास आए हुए हैं। हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपने मुझसे ये नहीं पूछा है कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, आपने पूछा है इसका छोटा सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को जो देखने में बड़ा लगता है कैसे हम उसको छोटा करेंगे। वो सारी चीज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, और एकदम सिंपल तरीके से, बिना फॉर्मूला, बिना किसी चीज़ का, हम हर एक सवाल को सोल्व करेंगे। हर टॉपिक के सवाल मेरे पास लगभग हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। अब देखिए, पहला सवाल स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा कि एक मिश्र धातु में 82% तांबा और 18% टीन है, दूसरी मिश्र धातु में तांबा 70% और टीन 6% है, बाकी बचा हुआ चीज़ क्या है, अशुद्धियां है। आपसे पूछ रहा है दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में टीन की मात्रा 11% हो जाती है, तो मिश्रण में अशुद्धियाँ कितने प्रतिशत है। अब देखिए, इस सवाल के लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ बोर्ड पर, क्योंकि आपके सामने तो क्वेश्चन है, मेरे सामने कुछ नहीं है। तांबा कितना बोल रहा है, तो आपका बोल रहा है तांबा 82% है, और टीन कितना है, तो आपका दिया हुआ 18%, और बाकी जो अशुद्धियाँ हैं, डस्ट जिसको बोलते हैं, वो हमारा 0% है। इसमें आप देख लीजिए, टोटल 100% हो गया। दूसरे टाइप का है, उसमें 70% तांबा है और 6% अशुद्धियाँ। अब देख लीजिए, टोटल मिला 6% टीन, टोटल मिला कितना हुआ 76, मतलब 24% इसमें अशुद्धियाँ हैं। बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ इतनी होती नहीं है। अब बोल रहा है कि दोनों को इस तरह से मिलाया जाता है कि मिश्रण में टीन की मात्रा 11% हो जाती है, टीन की मात्रा 11% हो जाती है, तो आपको बताना डस्ट कितना परसेंट होगा। अच्छा देखिए, आप मिलाया गया होगा, आप यहाँ पे आपको जो दिक्कत आई होगी वो इस बात से दिक्कत आई होगी कि अगर ये बताता कि ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा लिया गया होता, समझिएगा, ये इतना हिस्सा लेते और ये इतना हिस्सा लेते, तो आपको पता चल जाता कि इतना हिस्सा में 11% टीन है, तो उसी के अनुसार से आप निकाल लेते, ये होगा। इसका मतलब ये जो चीज़, अगर रेशियो आपको पता चल जाता है, एक्स और बाई रेशियो क्या है, तो आप एक्स का इतना गुना कर लेते, बाई का इतना गुना कर लेते, और 11% आपको मिल जाता। लेकिन बात है कि अगर ये बता ही देता तो फिर ये क्यों बोलता, सीधा आप ये निकाल सकते थे। मतलब आपको रेशियो अगर निकल जाए तो आपका सवाल बन जाएगा। अब रेशियो निकालने के लिए आपको पता है कि एक मिश्रण में से 18% टीन लिया, दूसरे मिश्रण में से 6% टीन लिया, दोनों को मिला दिया तो टीन मिल गया 11%। क्लियर? इसका मतलब एलिगेशन आप लगा सकते हैं। तो पहले मिश्रण में 18% टीन था, दूसरे में 6% था, तीसरे में 11% है, इसका मतलब ये 5 लिया गया है और ये 7 मिल गया रेशियो आपको। अब आप, जब आपको रेशियो मिल गया है 5 और 7 का है, तो आप सीधा बता दें जब कितना परसेंट डस्ट हो गया। तो आप देखिए, पहला 5 लिया गया है, दूसरा 7, तो डस्ट कितना हो गया होगा, इतना परसेंट। आई बात पकड़ में? अब बताइए मुझे, अगर डस्ट इतना है तो टोटल डस्ट कितना, टोटल मिश्रण कितना हो गया। तो ये देखिए, टोटल ये भी 100% है, ये भी 100% है, मतलब ये हो गया 500, ये हो गया 700, 1200%। तो आपका रेशियो क्या निकल कर आ गया, 12 × 2 = 50, 7:50। आपसे पूछ रहा था, परसेंटेज पूछ रहा था, ज्यादा मैंने काट दिया, परसेंटेज पूछ रहा था, तो 50 में 7 हो गया, तो 100 में कितना हो गया, 14%। मतलब जो मिश्रण बनाया है आपने, जिसमें टीन 11% है, उसमें डस्ट कितना परसेंट है, 14%। बात पकड़ में आई? तो यहां पे आपको समझना था कि ये रेशियो अगर पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपका डरना इस क्वेश्चन से अच्छी बात नहीं है। छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, देखिएगा, आप यकीन नहीं कीजिएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन जो है, एक डायग्राम दिया हुआ आपको ABC, और इसमें एक बातें कही गई है कि जो बी एंगल है 30 डिग्री का है, और जो सी एंगल है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और एक बताओ कहा गया कि ABC में जो है, ए से एक डी पे क्या है, लंब है, AD एक लंब है किस पे, बी पे, इसका मतलब डी आपका कितना हो गया, ADC या ADB 90 डिग्री का। बोल रहा है कि जो BC है, ये पूरा लेंथ जो दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर का है, तो आपको बताना है DC का लेंथ, DC आपको इसका लेंथ बताना है, इतनी सी बात है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो दिक्कत हुई होगी,
आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन, लंबा नहीं है। देखिए आप पहले तो कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, मतलब इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है, आप देखिए जब भी कोई भी ट्रायंगल ऐसा आपको मिलता है कि उसमें एक को 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ये है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही 90 डिग्री हो गया और उसमें से भी अगर अच्छी बात यह है कि कोई एक एंगल 30 या 60 या 45 ऐसा कुछ दे दे, तो आप जो हाइट एंड डिस्टेंस पे जो मैंने पढ़ाया था कि इस तरह की चीजें होती है, 30 डिग्री के सामने एक, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 के सामने 2, आप ये रेशियो लगा सकते हैं। 45 डिग्री का कोण पे क्या बताया था मैंने कि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो आपको बताया था कि 1:1 और ये √2 का रेशियो लगा सकते हैं। तो आप यहां पे ये कर लेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सरल बनता है। देखिए कैसे, 12 डिग्री जो है, 12 जो दिया हुआ है किसके सामने है, 90 डिग्री के सामने, 30 60 वाला है तो 90 के सामने क्या होना चाहिए, 2, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब आपको इस ट्रायंगल में डीसी निकालना है, तो इससे मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है, तो ये किसके सामने है, 30 के सामने, मतलब ये कितना होगा, 1 यूनिट, मतलब 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता चल गया ये 6 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रायंगल में आप देख लीजिए कि अगर 90 के सामने 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, आपको पता है ये 60 है तो ये भी 30 हो जाएगा, 90 के सामने 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर 2 यूनिट की वैल्यू होती है, कितनी यूनिट की वैल्यू होती है, 2 यूनिट की वैल्यू होती है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको 30 के सामने वाला पूछ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। पकड़ में आई बात? तो इतना सा छोटा सा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पकड़ना होता है। क्वेश्चन देखिए और लेते हैं हम, ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कह रहा है दो आदमी है पी और क्यू, हालांकि आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ होगा क्वेश्चन समझने में, मैं बता दे रहा हूं, सब कुछ चेंज कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का, और यही बात बताने जा रहा हूं आपको कि जो पी और क्यू जो दिया हुआ है, बाद में जो सी है वो एक्चुअली क्वेश्चन जो चेंज किया गया, क्वेश्चन जो आपके सामने क्वेश्चन आया वो या तो ए बी सी में होगा जिसको पी क्यू आर में चेंज करने की कोशिश की गई, आर छूट गया है, या फिर पी क्यू आर में होगा जिसको आर को सी बन गया और ए बी छूट गया है, तो इस तरह से है क्वेश्चन मिक्स किया हुआ, मतलब आपको पी क्यू आर लेना है या फिर ए बी सी, मतलब बात यह है कि तीन लोग हैं, बस इतनी सी बात है। तीन लोग में से बोल रहा है कि जो पहले दो लोग हैं ये 10,000 और 8,000 लेकर आते हैं, 10 के मतलब होता है 1,000, तो 10,000 हो गया ये, दूसरा 8,000 लेकर आते हैं और 7 महीने बाद सी ज्वाइन करता है, 7 महीने बाद कौन आता है, सी आता है, मतलब तीसरा पर्सन आता है। 7 महीने बाद अगर आ रहा है तो याद रखना आपको 7 महीने कंप्लीट हो चुका, 5 महीने और बचा, अगर साल की बात करता है तो आप आगे जाकर देखेंगे, बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब ये हो गया कि ये 5 महीने के लिए अपना धन लगाया है, तो ये 12 महीने के लिए लगाया है, ये 12 महीने के लिए लगाया है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्लियर। हमने देख लिया कितना धन ये लगाया, कितना धन ये लगाया, कितना धन ये लगाया, इसका धन कुछ होगा एक्स बाई कुछ भी, वही निकालना है हमें। अब आपको बता रहा है कि टोटल जो फायदा हुआ है वो टोटल फायदा हुआ 37,830 रुपये का, जिसमें से सी को मिला है 9,750 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है सी का जो निवेश था, मंथली निवेश, मतलब टोटल कितना 5 महीने में निवेश किया, ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा कितना निवेश किया था वो हर महीने, मतलब कितना पैसा लेकर वो बिजनेस में आया था। आप देखिए अगर 9,700 रुपया इसमें से घटा देंगे, 9,750 रुपया, तो ये आपका सी का हिसाब खत्म हो जाएगा इसमें से। अब इस प्रॉफिट में जो पैसा रहेगा वो सिर्फ रहेगा किसका, पहले दो का रहेगा, तीसरे का पैसा था 9,750, इसको हमने हटा दिया यहां से, तो अब ये बचा जो इन दोनों का पैसा है। और आपको पता है प्रॉफिट जो बचता है, शेयर होता है जो प्रॉफिट जो मिलता है वो लागत के अनुसार मिलता है, मतलब कितना पैसा आपने व्यवसाय में लगाया है। तो आप देखिए कि व्यवसाय में आपने कितना पैसा लगाया है, तो पहले दो पे बात करेंगे, देखिए 12 से 12 कटेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 5-4 का इन दोनों का शेयरिंग था, इसका मतलब 9 यूनिट की जो वैल्यू है यही दे रखी है 2880, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 9 3 27, 9 9 9 2 18 इतना आ गया। इसका मतलब इसका आप निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू, या फिर इसका भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ गई बात कि अगर आप इसका निकालते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होता है, इसका निकालेंगे तो थोड़ा सा टफ होगा। कैसे, इसमें देखिए 5 इसमें है शामिल, इसमें भी 5 है, तो यहां से कंपेयर करना आसान होगा, इसलिए हम इसको लेकर चलेंगे।
बात क्लियर है? तो आप बताइए कि अगर इसको 5-9 का प्रॉफिट में 28,080 रुपये का प्रॉफिट था, 9 यूनिट के प्रॉफिट, तो 5 यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इतना। तो ये प्रॉफिट किसका है? ये पहले आदमी को इतना रुपया मिला है कब? जब इतना रुपया इन्वेस्ट किया है। कितना रुपया? 10 × 12 इतना इन्वेस्ट करने पे इतना मिला है। तो इतना इन्वेस्ट करने वाले को कितना मिला है? इतना मिला है। तो यहां से ये रेशियो तो वही होगा जो ये रेशियो होगा, आप सोल्व कर लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? आप देखिए, मैं 0 से 0 को काट दे रहा हूं, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने की बात कर रहा हूं। तो देखिए, 12 से कट गया कितना, 12 × 2 = 24, 12 × 6 = 72, 26 × 5 आ गया, मतलब 130 आ गया। जब ये एक होगा तो ये 130 होगा, यहां भी जब ये एक होगा तो ये 130 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो आप इसको काटिए 5 से, तो कितना कट जाएगा? 5, 1 हो गया 4, और इतना हो गया। तो ये एक हुआ तो ये भी होना चाहिए था 130, लेकिन 130 नहीं है, तो कितना है? तो आप देखेंगे तो पता चलेगा 130 × 15 है ये। इसका मतलब ये 15 कहां से आई? 15 यहां का है जो इसके साथ कटेगा। इसका मतलब ये किसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 15,000 था, ये 15,000 लेकर आया था बिजनेस में। बात पकड़ में आई? तो छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक बात समझनी थी, वो बात आप समझ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन इजी बन गया। अब आप देखिए, एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, टॉपिक चेंज है लेकिन इसी तरह का है, आपको पकड़ना है सवाल को। सवाल पकड़ लेंगे तो बात खत्म। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक आदमी है जो समान दूरी को एक कार द्वारा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और एक ट्रक द्वारा एक निश्चित गति से तय करता है। मतलब कुछ दूरी है जिसको पहले कार से चला, फिर बाद में ट्रक से चला, यहां से इतनी दूरी को और यहां से दूरी को। बोल रहा है कि कार जो चल रहा है वो 36 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रहा है, ट्रक के बारे में बोला है कुछ होगा उसका भी अपना गति। यदि 4.5 मीटर लंबी कार की लंबाई 4.5 मीटर बोल रहा है, अगर इतना मीटर लंबी कार 10.5 मीटर लंबी ट्रक को 3 सेकंड में पार करती है, तो आपको बताना है कि कार द्वारा 216 सेकंड में चली गई दूरी और ट्रक द्वारा 216 किलोमीटर और ट्रक द्वारा 360 किलोमीटर की चली गई दूरी में औसत गति क्या होगा, औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल का सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होगा, औसत चाल का वो कैसे निकालते हैं, टोटल दूरी बटा टोटल समय। और आपको पता है इसका दूरी 216 है, तो इसके लिए समय आपको कितना लग जाएगा, 6 घंटे का। तो यहां से आपको पता चल गया इसका तो समय लग जाएगा 6 घंटा, इसका आपको स्पीड ही नहीं पता है, तो आप डिस्टेंस पता होने से क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मतलब अब हमें इसका स्पीड पता करना होगा। आप एक चीज बताइए, ये 4.5 किलोमीटर 4.5 मीटर चल रहा है, ये 10.5 मीटर चल रहा है, लंबाई मतलब क्या हुआ, अपनी लंबाई के बराबर चल रहा है। अगर ये कार इसको पीछा करता है और इसको ओवरटेक कर लेता है, इसको पार करता है, मतलब कार को पार करने के लिए अपनी लंबाई प्लस ट्रक दोनों की लंबाई को पार करना होगा, और इसको पूरे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेता है। कितना सेकंड का समय लेता है? 3 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब इसका स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि एक दूसरे को पार करने में ये स्पीड लगा है, रिलेटिव स्पीड है। आपको एक बात साफ कही गई है, कार तेजी से चलता है, कार तेजी से चलता है, तो इसका मतलब अगर कार 36 से चल रहा है तो ट्रक 18 कम से चल रहा होगा। कितना रिलेटिव स्पीड, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 18, तो इसका मतलब ट्रक का भी स्पीड कितना हो गया, 18, क्योंकि 18 और 18 ही 36 होता है। अब आपको पता चल गया कि ट्रक जो है 360 किलोमीटर अगर चलेगा 18 के स्पीड से, तो कितना समय ले लेगा, 20 घंटे का। अब आपको क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 216 प्लस 360 576 बटा टोटल समय कितना हो गया, 20 और 6 = 26। आप सोचेंगे सर डेसिमल कैसे काटते हैं, देखिए मैं आज बता रहा हूं आपको डेसिमल इस तरह के मैं आपको डेसिमल देखिए बहुत क्लोज आंसर है, तो कैसे डेसिमल को मतलब इसको बिना कैलकुलेटर या बिना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन के कर सकते हैं। इसको एक 25 या मतलब लास्ट में 5 या 0 रखने की आप कोशिश कीजिए, या फिर एक ऐसा नंबर जिसे दोनों कट रहा हो। तो आप देखेंगे कि ये इसको अगर 25 करते हैं तो 1 घटा रहे, 1 देखिए 26 का कितना है, लगभग 4% है, 25 का 4% कितना होता है, 1, तो इसका भी 4% करेंगे तो 500 का 4% कितना आ जाएगा, 20, और 76 का लगभग 3 के आसपास है, मतलब 23, मतलब इसको आप कह सकते हैं 25 26 घटाकर किए 550
इसको ले सकते हैं और इसको 25 ले सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा घटाया गया, मतलब जो वैल्यू आएगा ज़्यादा कम आएगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब 22 थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा दो डिजिट की जगह पे। तो आपका डेसिमल में कितना आंसर आ जाएगा, 22.15 किलोमीटर पर आवर एज फ्रॉम द ऑप्शन। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार मैं कराया था लास्ट वीडियो में, शायद आप ही का क्वेश्चन है, जिनका क्वेश्चन है उन्हीं का एक और क्वेश्चन था इस टाइप का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, एक लागत मूल्य 16% कम कर दिया गया है वस्तु को बेचता है, मतलब 16% कम पे बेचता है, मतलब कोई एक आदमी है जो लागत मूल्य से 16% कम, मतलब जितना में खरीद कर लाया था, अब देखिएगा जितना में खरीद कर लाया था इससे 16% कम में बेच रहा है, तो सीधी बात करें 16% का लॉस हो रहा है उसे। बाद में उसे करा कि 33 रुपया अधिक में अगर बेच देता, मतलब यहां से 33 रुपया अगर अधिक में बेचता तो उसे क्या हो जाता, 14% का प्रॉफिट हो जाता। तो आपसे पूछ रहा अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचेगा। अब मुझे बताइए कि यहां से इधर कितनी दूरी चली गई है, तो 16% चली गई है, यहां से इधर कितनी चली गई है, 14%, टोटल कितना परसेंट का अंतर आ गया दोनों के बीच का, तो 30%। और यही 30% आपको इनडायरेक्टली रुपये के रूप में बोल रहा है कि अगर यहाँ जितना में बेचा गया था उसके जगह 33 रुपया और लगाकर बेचा जाता, तब 33 रुपया लगाकर जो बेचा जा रहा है उसका दाम तो यहीं पे आकर मिलेगा, मतलब 30% की ही वैल्यू दे रखी है 33 रुपया, नहीं तो 10% की क्या हो गई, 11 रुपया। आपको पूछ रहा 25% प्रॉफिट कमाना है तो कितना बेचेगा, तो आप कहेंगे सर 125% में उसको बेचने बोल दीजिए, मतलब 12.5 से इसको गुना कर देंगे अगर, तो आपको 125% आ जाएगा, और इसको भी 12.5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और 125 137.5, मतलब 137.50 रुपया में अगर वो बेचेगा तो उसको 25% का प्रॉफिट आएगा। एक क्वेश्चन और है अभी, नहीं अभी और है, दो क्वेश्चन और है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब बड़े आसान से बनाएंगे क्वेश्चन में। देखिए अच्छा ब्लू कलर के साथ कुछ लफड़ा है, ब्लू कलर हमेशा ऐसा ही होता है जैसा दिख रहा होगा आपको, अच्छा ब्लैक भी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, देखिए आप सवाल पर नोटिस कीजिए, आप फोकस कीजिए। करा कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवा इस प्रकार है कि ए बी 24 है। समानांतर जीवा कहने का मतलब एक इधर है तो दूसरा इसी के पैरेलल, अब सेम साइड है कि अपोजिट साइड, वो बाद में बात खुलेगी। करा ए बी जो है इसकी 24 सेंटीमीटर का है, साथ में बोल रहा है सी डी की लंबाई ए बी की लंबाई की 5/12 है, तो इसका 5/12 करेंगे तो 5/12 12 × 24 कितना हो गया 10, सी डी कितना हो गया 10, और ये जीवा दोनों विपरीत साइड में, मतलब ये इधर होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि उसका आधा से भी कम है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका सी और ये हो गया डी। आपसे बोल रहा है कि ये और सी डी की लंबाई योग का 50% है, यदि उनके बीच की दूरी जीवा ए बी और सी डी की लंबाई, कह रहा है कि इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है इन दोनों जीवा के योग का आधा है, 50% है, मतलब आधा है, तो इसका आधा कर दीजिए 12, इसका आधा कर दीजिए 5, और ये हो गया टोटल 17। मैंने आधा आधा करके जोड़ लिया, आप जोड़ के आधा कर लीजिए, एक ही बात है। अब से पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सेंटर कहीं पे होगा, आपको पता होगा कि बड़ा है तो सेंटर इसी के नजदीक होगा। अब देखिए सेंटर अगर वहां है तो इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। आप एक बात बताइए, ये आपका क्या आएगा आर, ये आपका क्या आएगा आर, आएगा। अब आपको छोटा सा दिमाग और लगाना है, इसको भी 10 काट के इसको 5 ले लेना है, और ये 12 काट के इसको 24 काट के इसको 12 ले लेना है। यहां तक तो क्लियर है, क्योंकि मैंने जो परपेंडिकुलर, आप यहां पे भी डिस्टेंस को परपेंडिकुलर ही ले सकते थे, मैंने क्या लिया डिस्टेंस, सेंटर से क्रॉस करता हुआ डिस्टेंस लिया, ताकि हमें पता है कि सेंटर से जब जीवा पे लंब डालेंगे तो वो आधा आधा कोड को जीवा को काटेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 12 और ये हो गया 5। यहां तक क्लियर। अब बताइए कि ये 12 है, मतलब अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का सोचेंगे थोड़ा सा, पाइथागोरस थ्योरम 5 7, देखिए 5 यहां पे आया है 12 है, तो 5 12 के साथ कौन सा आता है, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा एक 5 12 के साथ 13 आता है, अगर दोनों को एक साथ लेंगे तो, अलग अलग लेंगे तो 5 के साथ अब 3 और 4 और 5 भी सोच सकते हैं,
लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों केस में आपका रेडियस एक कॉमन साइड है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 12 है तो इसको 13 कर दे रहे हैं, क्योंकि 12 से तो बड़ा ही होगा, तो ये तो संभव है नहीं, इस ट्रायंगल के लिए ये संभव है। तो अगर ये 12 ये 13 है तो ये 5 होगा, और ये 5 है टोटल 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 12, और जैसे ही ये 12 है ये 5 है ये 13 हो जाएगा। देखिए आप दोनों केस में रेडियस आपका बराबर हो गया, इसका मतलब एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 169 पाई। सवाल एकदम छोटा सा था, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा ये चीजें तो आप क्या कीजिए, इसको रेडियस है ये, आप इस लेंथ को x मान लीजिए यहां से यहां तक को, और इस लेंथ को आप कहिए 17 - x, और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेन्यूज निकालिए, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकालिए, कर्ण निकालिए, मतलब रेडियस निकालिए, दोनों रेडियस को बराबर करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको x मिल जाएगा। आप अगर ऐसा करेंगे कि r लेकर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जब r आप निकालेंगे तो आपका जो ये साइड निकाल लेंगे 12 और r का यूज करके, तो ये साइड प्लस ये साइड बराबर 17 करेंगे, तो आपका जो इक्वेशन आएगा दिस प्लस दिस बराबर 17, और दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये टूटेगा, और 2a भी जो आएगा वो फिर से एक बार आपको स्क्वायर करने पर मजबूर करेगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इसी को ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन अच्छा ही होता है, क्वेश्चन अच्छा नहीं होगा तो फिर मजा कैसे आएगा। दो मजदूर ए और बी को 650 रुपए प्रतिदिन की दर से रुपये दिए जाते हैं, ए और बी दोनों को बोला गया भैया 650 रुपए के हिसाब से हम तुमको पैसे देंगे, इसका मतलब दोनों को 650 रुपए में दोनों का हिस्सेदारी है, मतलब कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा, और किसको कितना पैसा मिलेगा ये आपको पता है, कैसे मिलता है वो काम के अनुसार, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। बोल रहा है ए को दी गई धनराशि बी की धनराशि का 160% है, मतलब अगर बी को 100% मिला होगा तो इसको 160% मिला होगा, बात समझ में आई, यही बात है कि अगर बोल रहा है कि ए को जो धनराशि मिल रही है, ए को जो पैसा मिल रहा है वो बी को जितना मिल रहा है उसका 160% है, तो आप बी को बोलेंगे सर 1 रुपया हम देंगे, तो ए को भी दीजिए उसका 160%, मतलब 1.6 रुपया, आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। मैंने परसेंटेज इसलिए लिया क्योंकि मुझे परसेंटेज से ज्यादा दोस्ती है, परसेंटेज से ज्यादा लगा है, परसेंटेज मुझे सिंपल लगता है सोचने में, माइनस प्लस करने में इजी होता है। तो आप यहां से देख लीजिए कि टोटल 260% हो गया, और यही 260% जो है टोटल पैसा कितना मिलेगा 650 रुपया, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 260%। आप यहां से देखिए 0 से 0 कटा, और यहां 2% की वैल्यू 13 से काट के 5 रुपया आ गया, 2% की वैल्यू कितना आ गया 5 रुपया। आपसे सवाल किसके बारे में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बी को कितना धन मिलेगा, बी कौन है, बी ये है, 50 से गुना कर दीजिए इसको, 100% को वैल्यू आपको निकालनी है, बी की वैल्यू 100% है, मतलब इसको सिर्फ 250 रुपये मिल जाएगा बेचारे को, बाकी जो 400 रुपये है उसका हिस्सेदार कौन होगा, ए होगा। आई बात पकड़ में, इसको और भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, जो मेरे दिमाग में आता है सामने पहले उसी तरीके से मैं बताता हूँ क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये अब और छोटा नहीं हो सकता है, या फिर ये और तरीके से नहीं बन सकता है, और तरीके से बन सकता है लेकिन इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, और जो भी छोटा होगा वो आपके थोड़ा सा दिमाग के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है, किस आप अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा तो आपको वो छोटा लगेगा, इस मेथड पर आपकी प्रैक्टिस है तो ये छोटा लगेगा। अब देखिए बड़ा अच्छा सा सवाल, देखिए स्क्रीन पे आप क्या कह रहा है, 2x + 5y का जो क्यूब है -2x - 5y का जो क्यूब है, आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ 250x³ + 120y²x, दूसरा ऑप्शन है 120x³ + 250y²x, तीसरा ऑप्शन आपके सामने आ गया है 250x² + 120y³x। आप जो लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं उन लोगों को ये लग रहा होगा सर इतना छोटा क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछा इसलिए नहीं गया है कि क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम समय कैसे बचाएंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप जो चीज़ें यहाँ दी गई है जो क्यूब के रूप में, यही चीज़ें यहाँ भी क्यूब के रूप में है, इसका मतलब हो गया कि ये सिंपली a + b का क्यूब है और ये सिंपली a - b का क्यूब है, और आपको पता है कि a + b का अगर क्यूब आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख देंगे a³ + b³ + 3a² + 3ab²
कुछ लोग इसको लास्ट में भी लिखते हैं, आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। मेरा कहना यह है कि बी अगर नेगेटिव कर देंगे तभी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, और बी नेगेटिव जब आप करेंगे तो क्या क्या चीज नेगेटिव होगा, जो भी बी का ऑड पावर होगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ बी माइनस करने का मतलब बी को आप माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए बी सिंगल पावर में, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ बी डबल पावर में, ये माइनस नहीं होगा। क्लियर? आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला आपको दिमाग में है तो आप डायरेक्टली सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो जो अल्टरनेट साइन वाला है वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों बचेगा। मतलब जोड़ने पे पहला तो बचेगा क्योंकि दोनों का सेम साइन रहेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है, तो घटाएंगे तो आपका जो उल्टा साइन वाला होगा वही बचेगा। तो ये तो बचने वाला नहीं रहा, आपका बचेगा क्या, ये बचेगा, मतलब इसी का क्यूब बचेगा और जुड़कर डबल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ नोटिस करना है कि 5 बाई का क्यूब जो होता है 125 बाई क्यूब, इसका डबल किसमें है, इसका डबल किसमें है, 250 बाई क्यूब किसमें है, तो आपका ऑप्शन 4 में है। आपको इधर पूरा नहीं चेक करना ये सब। जैसे ही आपने यहां माइनस देखा था तो आपको पहला टर्म हटा देना चाहिए था, एक्स का तो टर्म आना ही है नहीं है क्यूब में। क्यूब में कौन सा आएगा, लास्ट वाले का आएगा। अगर यहां प्लस रहता तो ये टर्म खोजते हम, ये टर्म नहीं खोजते, ये नहीं आता, बाई क्यू नहीं आता, एक्स क्यू आता। बात पकड़ में आई? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट डॉट वीडियो में मैं फिर से जल्दी ही आ रहा हूं, उसमें कुछ और सवाल रहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट डॉट वीडियो का। थैंक यू।